हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल। आज भी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वीवो के Y100 फोन में आप लोग ऐप को लॉक कैसे लगाओगे, जो कि यहां पे आपको बताने वाला हूं इन फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेटिंग के बारे में। इन फिंगरप्रिंट ऐप लॉक आप लोग लगा सकते हो अपने वीवो के Y100 फोन के सेटिंग से। किसी भी ऐप को आप लॉक कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, मेरे फोन में एल्बम है, यहां पर एल्बम मैंने लॉक किया है, जो कि यहां पर इन फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक द्वारा भी इसे अनलॉक कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसे पासवर्ड से भी अनलॉक कर सकते हैं। यहां पर फिंगरप्रिंट लगाएंगे एंड यहां पर देखोगे तो यहां पर अनलॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी ऐप को अपने लॉक करके रख सकते हो, एल्बम हो या आपका कोई भी एप्लीकेशन है, आप लोग लॉक करके रख सकते हो, उस पर आप लोग फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हो। तो फाइनली यही चीज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बताते हैं कैसे आप लोग Vivo के Y100 फोन में ऐप लॉक को लगा सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, इसके लिए पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास Vivo का Y100 फोन है एंड आप लोग चाहोगे इन फिंगर प्रिंट ऐप लॉक लगाना, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो एल्बम मैंने लॉक लगा रखा है और यहां पर हम क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर लॉक अभी हटा हुआ है। तो अब दोस्तों, यहां पर मैंने अभी आप लोग को अनलॉक करके दिखाया था एंड इसीलिए आप जब स्क्रीन लॉक करोगे तो इसमें ऐप लॉक लग जाएगा। यहां पर देखोगे तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे एंड यहां पर फिंगरप्रिंट लगाते हैं एंड ये हमारा अनलॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी ऐप लॉक लगाना चाहोगे एंड अपने फोन के सेटिंग से, तो यहां पर लगाने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर आना है। आने के बाद यहां पर आपको कुछ इस प्रकार का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको स्क्रॉल करना है नीचे। जैसे नीचे करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी, यहां पर सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहां पर प्राइवेसी का ऑप्शन आ जाएगा, प्राइवेसी एंड ऐप का ऑप्शन, यहां पर आपको क्लिक करना है एंड यहां पे आपका पासवर्ड मांगेगा। आपने पासवर्ड लगा रखा है तो, अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया तो आपको नया पासवर्ड यहां पर बना लेना है। नया पासवर्ड आपको बनाने के लिए यहां पर स्क्रीन पासवर्ड जो बनाते हैं वही होता है, यहां पर आपको डालना है एंड ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको ऐप लॉक एंड ऐप हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों के बारे में मैं पारी पारा बताऊंगा यहां पर। तो आप लोग यहां पर हाइड ऐप भी कर सकते हो एंड यहां पर आप लोग ऐप लॉक भी लगा सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऐप लॉक पे क्लिक करना है एंड यहां पर ऐप लॉक टाइम, जो कि मैंने दो एप्लीकेशन को हमेशा लॉक करके रखता हूं एंड यहां पर और एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं यहां पर लगाकर। तो जैसे कि यहां पर हम करते हैं फेसबुक को लॉक एंड फ्री फायर को लॉक, दो एप्लीकेशन इंजेपल के लिए मैंने लॉक लगा दिया है। अब चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। अब होम स्क्रीन पे आ चुके हो, इसके पहले आप लोग को ऐप को जब लॉक लगाओ तो आपका फिंगरप्रिंट अटैच नहीं होगा। फिंगरप्रिंट अटैच करने के लिए आप लोग को सेटिंग में जाना है एंड फिंगरप्रिंट पे आपको क्लिक करना है एंड यहां पर पासवर्ड डालना। और दोस्तों, यहां पर पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है, और यहां पर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट, यहां पे प्राइवेसी वाला ए आपके फोन में ऑफ होगा। इसके बाद दोस्तों ओके पे यहां पर जैसे कि आपको ऑन करना पड़ेगा पहली बार आते हो, तो यहां पर ऑन करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, पासवर्ड डालना है, वही पासवर्ड आपको यहां पर डालना है एंड ये आपका इनेबल हो जाएगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, फेस लॉक पे भी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बैग हो जाना है। अब यहां पे आप किसी भी ऐप को ओपन करते हो, जैसे कि मैं यहां पर दिखाता हूं, यहां पर फिंगरप्रिंट से ये अनलॉक हो रहा, आप लोग देख सकते हो ये फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाता है एंड उसी तरीके से आप फेसबुक पे जाते हो तो ये आपका इस तरीके से भी अनलॉक हो जाएगा, पासवर्ड से भी यहां पर अनलॉक हो जाएगा एंड उसी तरीके से अगर आप जाते हो यहां पर फ्री फायर पे तो ये आपका फेस लॉक से भी अनलॉक हो जाएगा, जो कि तुरंत फेस लॉक से ही अनलॉक हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देता है वीवो एंड आप लोग भी लगा सकते हो अपने इन फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेटिंग, जो कि मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया हूं आप लोग को कैसे ऐप लॉक लगाना है वीवो के Y100 फोन के सेटिंग से। आप लोग खुद जाकर अपने फोन में इसे ट्राई करके एंड ऐप लॉक लगा सकते हो। ऐप लॉक लगाने में फायदा होता है कि आपका एप्लीकेशन को कोई भी यूज नहीं कर पाता एंड सिक्योर हो जाता है। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते किसी इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।